कुलपहाड़ महोबा जिले की कुलपहाड़ एसडीएम श्वेता पांडेय ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध अपना हंटर चलाना शुरू कर दिया है। आज एसडीएम कुलपहाड़ ने कुलपहाड़ बाजार में दुकानों की चेकिंग की और जिस दुकान पर प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन पाया गया उन दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। एसडीएम की इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वही कोरोना को देखते हुए एसडीएम कुलपहाड़ ने सभी से अपील की है कि सभी लोग रात्रि कर्फ्यू का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और सभी लोग मास्क लगाए। वही व्यापारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिना मास्क लगाए हुए किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान न दिया जाए। महोबा उत्तर प्रदेश बृजेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज पॉलीथिन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, किस प्रकार से चालान हुआ है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? जी, आज हमने एक अभियान चलाया था, दुकानों की चेकिंग की गई है कि जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है दुकानदार ना रखें। इसके लिए हमने अभियान चलाया था और उसमें हमने दो दुकानों को पकड़ा है जहाँ पर प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा रहा था और हमने वहाँ जुर्माना किया। कितने रुपये का मैम जुर्माना किया गया है? वहाँ पर हमने जो प्लास्टिक पकड़ी थी उसका वेट किया गया है और शासनादेश में जो लिखा था उसके अनुसार जुर्माना किया है। मैम, अभी ये शासन की गाइडलाइन आई है कोविड के लिए, उसका किस हिसाब से पालन करवाया जा रहा है आपके हिसाब से? अभी ये शासनादेश आया है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोविड के बचाव के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो हम उसमें चेकिंग कर रहे हैं कि ये कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है वो सफलतापूर्वक लगे और सड़कों पर रात में लोग ना निकलें। इसके साथ ही साथ हम ये भी प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि लोग मास्क का प्रयोग करें।